हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री DSC 3 का इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को डाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें और एक चीज़ ध्यान रखें कि वीडियो को देखते समय आप लोग उसे स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हम बता रहे होते हैं, खास करके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड हम उसमें दूसरा क्वेश्चन भी छुपा हुआ होता है, तो आप लोग उसे भी सुने, ताकि अगर कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में तो आप लोग उसे भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ कि मेरे द्वारा जो Core 13 और Core 14 का क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, उसमें से लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो मैच किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें DSC 3 में भी आप लोगों के क्वेश्चंस ये मैच करेंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग गौर से देखें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड गोवा बिकम यूनियन टेरिटरी, अर्थात कि गोवा केंद्रशासित प्रदेश कब बना। तो दोस्तों, गोवा केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 1961 ईस्वी में बना था। इस पे पहले पुर्तगालियों का अधिकार था और 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है सैन्य कार्रवाई के तहत जो है इसको भारत में मिला लिया था और इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया, और उसके बाद सन 1987 ईस्वी में इसे जो गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसे ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पंचशील, अर्थात कि पंचशील क्या है। ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, गांधी सिद्धांत, अम्बेडकर सिद्धांत, 5 सिद्धांत, नन ऑफ दीज, है ना। तो पंचशील सिद्धांत जो है बेसिकली ये 5 सिद्धांतों का एक समूह है, है ना। ये भारत और चीन के बीच जो है तिब्बत को लेकर के एक पंचशील समझौता हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय यह समझौता हुआ था चीन के साथ। यह सिद्धांत बेसिकली प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म से लिया गया है। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है आचरण, अर्थात कि 5 आचरणों का समूह जो है इसमें शामिल होता है। तो भारत की विदेश नीति में इस चीज़ को जब शामिल किया गया था तो 5 सिद्धांत में शामिल था कि हम लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा एक दूसरे की आंतरिक मतलब स्थिति में हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तीसरा है कि हम लोग एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, है ना। इस तरीके से 5 सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वाज रीच्ड, अर्थात कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों, पंचशील समझौता जो है वह 1954 में हुआ था। अगर इसका डेट पूछा जाए तो ध्यान रखें ये 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच तिब्बत के क्षेत्र को लेकर के हुआ था, है ना। तो ये ध्यान में रखें, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जनता दल गवर्नमेंट बी फॉर्म, अर्थात कि जनता दल सरकार कब बना। तो जनता दल की सरकार जो है केंद्र में 1989 ईस्वी में बनी थी, इसे आप लोग ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए संभावना है ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1962, अर्थात कि 1962 ईस्वी के में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसको ध्यान में रखें। ये सवाल पूछा गया कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1962 ईस्वी में जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेकेंड इंडो पाक वॉर टुक प्लेस, अर्थात कि द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ, है ना। तो द्वितीय भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था वो 1971 ईस्वी में हुआ था, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर प्रथम द्वितीय की जगह अगर प्रथम भारत पाक युद्ध की बात की जाए तो वो 1965 में हुआ था, अर्थात कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ और 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध हुआ। और ये जो द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था यह बांग्लादेश को लेकर के हुआ था, है ना। और इसी 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और उसमें भारत ने उसको सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज द सेटअप, है ना, अर्थात कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी, इसे आप लोग ध्यान में रखें।
ये इस बार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर जेपी मूवमेंट वाज स्टार्टेड, अर्थात कि जेपी आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जेपी आंदोलन जो है सन 1974 में जो है शुरू हुआ था, उस समय भारत में जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्हीं के शासन से जो है लोग परेशान होकर के जेपी आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ किस देसी रियासत का हिस्सा था। तो दोस्तों जूनागढ़ जो है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है और इसी का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन अलाइन मूवमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह 1961 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। यहाँ पे इससे संबंधित और चीज़ों को देख लें कि यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना के कवामे एनक्रूमा के द्वारा आरंभ किया गया था, है ना। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। अगर आप मंथ पूछा जाए तो वह अप्रैल 1961 में है। कभी कभी पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, तो पंडित जवाहर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो और घाना के कवामे एनक्रूमा, इन चारों नाम को आप लोग जरूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कश्मीर वाज एनेक्स्ड एज ए ये स्टेट इन इंडिया, अर्थात किस वर्ष में कश्मीर को राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों सन 1947 ईस्वी में कश्मीर को भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसके पहले यह एक जो है एक देसी रियासत था और यहाँ के राजा जो थे महाराजा हरि सिंह थे और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जो है एक संधि की, उस कागज़ पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गए। तो कभी कभी ये डेट पूछता है, इसलिए आप इस डेट को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार 1971, है ना, अर्थात कि भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसकी चर्चा हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर टेस्ट हेल्ड एट पोखरण बिलोंग्स टू इन विच स्टेट, अर्थात कि पोखरण जहाँ पर नाभिकीय परीक्षण किया गया था वह किस राज्य में है। तो दोस्तों पोखरण जो है यहाँ पर भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था और यह जो है राजस्थान जिले में अवस्थित है, तो इसे ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार 1965, अर्थात भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी रूल्ड इन द हैदराबाद प्रिंसेस स्टेट प्रिंसली स्टेट, अर्थात कि हैदराबाद के देसी रियासत पर किस राजवंश का शासन रहा था। तो दोस्तों हैदराबाद के देसी रियासत पर निजाम राजवंश का शासन रहा था, इसे ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज हैदराबाद प्रिंसली स्टेट एनेक्स्ड इनटू इंडिया, है ना, अर्थात कि हैदराबाद के देसी रियासत को भारत में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था। तो हैदराबाद को सन 1949 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में शामिल किया गया था। यहाँ ध्यान रखें ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था और उसमें भारत की प्रधानमंत्री जो है वह इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक नहरी समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों भारत पाक नहरी समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, सिंधु नदी के जल बंटवारा को लेकर के, है ना, और ये विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किसकी ये मतलब मध्यस्थता के सहयोग से भारत पाक नहरी समझौता हुआ था। तो विश्व बैंक की मतलब जो है मध्यस्थता से 1960 ईस्वी में भारत पाक नहरी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा जो है वो रेड क्लिफ कहलाती है, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद भारत में कब शामिल हुआ। तो यहाँ पे हमने ऊपर चर्चा की है लेकिन यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो ध्यान रखें
कि हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के तहत 26 नवंबर 1949 को भारत में शामिल हो गया था या इसको शामिल किया गया था। और एक चीज़ याद रखें कि इन देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में लौह पुरुष ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो कभी अगर ये सवाल पूछे कि देसी रियासतों के विलय में किनका प्रमुख योगदान रहा था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगर हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी तथा बांग्लादेश के गठन की व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। दूसरा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, देसी रियासतों के जन आंदोलनों पर एक निबंध लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर आप लोग ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भारत के उद्भव पर प्रकाश डालें। पाँचवा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के आयामों का वर्णन करें अथवा जेपी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ तथा इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं, इसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण या उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध की व्याख्या करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्धों के कारणों को रेखांकित करें। इसके अलावा है, 1975 ईस्वी के आपातकाल की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और उसके बाद पंचशील सिद्धांत के उद्देश्य, सिद्धांतों में महत्व क्या रहे थे, व्याख्या करें। दोस्तों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बिल्कुल कूल होकर के अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। एक बार और आप लोग इस सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लें। जैसे पहला है, भारत पाक युद्ध 1971 तथा बांग्लादेश का गठन। दूसरा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तीसरा है, देसी रियासतों के जन आंदोलन। चौथा है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भारत के उद्भव प्रकाश। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से देख लें। जय हिंद।